कैसे हैं सब। वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने अपना सोलो चैनल ओपन कर लिया है। फिलहाल ये बात किसी को नहीं पता, सबके लिए सरप्राइज होगी, मेरे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। सोकर मैं उठ गया हूँ, मेरी हालत से आपको पता चल रहा होगा। गला भी मेरा काफ़ी दिनों से ख़राब था और खांसी भी थी, मुझे बुखार भी था। यूनिकली मुझे आराम थोड़ा सा मुझे हो गया लेट, तो कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। अभी के लिए गाइस मैं हो गया हूँ रेडी, और मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि सोलो चैनल मैंने अपना खोला है अकेले का, तो इसका मीन हमारा ऑलरेडी एक चैनल होगा। जी बिल्कुल, मेरा और मेरे तीन बेस्ट फ्रेंड्स का, हम चारों ने मिलकर 2 साल पहले एक चैनल ओपन किया हुआ है डेविदास के नेम से। आप लोग उस चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, उसके अंदर काफ़ी मज़ेदार चैलेंजेस भी हैं और व्लॉग्स भी हैं, कश्मीर टूर व्लॉग भी है। अभी मैं सॉक्स वगैरह पहन रहा हूँ, तो चलते हैं अपने। यूनी मास्क उठा लिया मैंने, अपना कार्ड भी उठा लिया है, पैसे भी उठा लिए हैं, हल्का फुल्का सा मेरा बैग है, बस निकल रहे हैं यूनी के लिए। और फर्स्ट वीडियो है गाइस, कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने शूज़ वगैरह पहन रहा हूँ, ये देखिए पास, तो अभी मैं रास्ते में जाते जाते पहनूंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अल्लाह हाफिज़। मैं निकल आया हूँ गाइस यूनी के लिए। अम्मा ने कहा कि टोपी पहन कर निकलो बाहर, हुई हुई है कराची में ऐसे ज़्यादा गर्मी। बस स्टैंड तक जाया जा रहा है गाइस, और रास्ते ही मैं आपको दिखाऊंगा, मेन तो रास्ता ही है। और ये देखिए 12 बजने वाले हैं, 12:30 तक मैंने पहुंचना है, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है मेरे को ना वहाँ पहुंचने में। उर्दू मेरी क्रैक कर दे। ये हमारा ब्यूटीफुल सा कैंट है। और फर्स्ट वीडियो है यूनी में, जाएंगे देखते हैं क्या होता है। खैर यूनी का तो फर्स्ट डे नहीं है, बट वीडियो फर्स्ट है, बस देखते हैं अब क्या होता है, अल्लाह ही मालिक है। बस स्टैंड पर पहुंच गया हूँ गाइस, और सामने से आएगी हमारी बस, देखते हैं कब तक आती है। 5-10 मिनट तो वेट करना पड़ता है, आधा घंटा मुझे कम से कम लगता है यूनी पहुंचने के लिए। तो गाइस जब तक आती है हमारी बस, मैं आप लोगों से ही बातें कर लेता हूँ। कैब में मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ कैब के अंदर। वीडियो में अच्छा बनना पड़ता है, घर वालों की बननी पड़ती है गाइस, वरना घर में घुसने नहीं देंगे। और मेरी आवाज़ पता नहीं आप सबको आ रही है नहीं आ रही है, मास्क इसलिए नीचे कर रही है, माइक वगैरह नहीं लगाया हुआ मैंने, मैं बिल्कुल रोड के मिड में खड़ा हूँ। सामने से किया जा रहा है बस का वेट, पीछे भारी सा बैग है जिसके अंदर से सिर्फ 2 बुक्स हैं और पेन, एंड लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, और मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है कि वाई ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। एंड बस भी वो दूर से कुछ आती हुई नज़र आ रही है, तो बस में अगर जगह हुई वीडियो बनाने के तो बनाऊँगा, वरना फिर रस्ते की वीडियो बनाऊँगी। बस से मैं उतर गया हूँ, आज काफ़ी जल्दी मैं पहुंच गया हूँ, 15 मिनट में, मीन्स के 5 मिनट में बस आ गई थी, 15 मिनट मुझे आने में लगे, 20 मिनट के अंदर अंदर। खैर मैं मलिर हाट पर हूँ, कराची वाले जो जानते हैं, ये हमारे मलिर हाट का पुल है प्यारा था, ये हबीब बैंक है, और यहाँ से मैं यूनी पैदल चल के जाता हूँ, तो बीच वाले इन्होंने कट बंद कर दिया इस वजह से। और मैं बैक वीडियो नहीं, मतलब फ्रंट कैमरे से वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि माइक मेरा जो है ना ये सामने की तरफ है, बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो वॉइस सही से फिर कवर ना हो, इस वजह से मैंने कहा मैं बैक से ही बना लूँ। जाते जाते कि और शोर इतना हो रहा है ना रोड पर, फुटपाथ पर चल रहा हूँ गाइस मैं, और बस सामने ही मेरी यूनी है, थोड़ा सा भौंक है और मज़ा आ रहा है। आज मेरा फर्स्ट सोलो वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, आज तक अभी मैंने अकेले व्लॉग शूट नहीं किया, हमेशा दानियाल लोगों के साथ ही किया है।
कैसी लगी आप लोगों को वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा, और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, रिलेटिव के साथ, और ग्रुप्स में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना लीजिए हमारे लिए, थोड़ा सा फेमस करवा देंगे इस हमें। टोपी मेरी प्यारी लग रही है आई थिंक अभी मुझे लोगों के कमेंट्स आएंगे कि अगर तो हम इसके इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ पर नहीं उतरते, वाइल्ड लाइफ पर उतर जाओ, वहाँ से करीब पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ यार मेरे को वाइल्ड लाइफ पता नहीं क्यों दूर लगता है अपनी यूनि से, मुझे मलिरहाट करीब लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों है, डिस्टेंस कभी नापा नहीं है मैंने, लेकिन लगता है। ये रेंजर्स की चौकी, उर्दू में चौकी कहते थे, चौकी। खैर ये साथ PDCL वाला बना हुआ है, PDCL के साथ आता है IU का स्कूल सिस्टम, तो ये आगे वाला ही है, थोड़ा सा आगे IU मतलब इकरा। हम बड़े तरफ पढ़ाकू बच्चे हैं तो गए इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, घर से गरीब है, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। शोर इतना हो रहा है कराची वालों का, बिल्कुल भी थोड़ा सा जो है ना गर्मियों में भी बाहर निकलते हैं यार, हद है। हम लोग शूट कर रहे हैं यार, अपनी वॉइसें बंद कर लो गाड़ियों की। IU का स्कूल सिस्टम है, आज ऑफ है स्कूल क्योंकि आज हफ्ता है और हमारी यूनिवर्सिटी खुली होती है, हफ्ते वाले दिन हमारी क्लास होती है। अच्छा वो सामने जो है ना, आप लोगों को पता नहीं हरा सा पुल दिख रहा है या नहीं, ये बिल्कुल इस वाली बिल्डिंग के साथ वो वायरलेस वाला एरिया, ये हमारी प्यारी सी एकरा यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट कैंपस मलेर। ठीक है सर, भाई हम लोग थैंक यू। राइट साइड पे ब्यूटीफुल सा हमारा यूनि का गार्डन है, मैंने अब दोस्तों का वेट कर रहा हूँ यार, ये लोग पता नहीं कहाँ है। ये ऑफिस वाला हमारा एरिया ही होने का, बात कर लिया मैंने इनसे अभी मैसेज पर, कह रहे हैं हम क्लास में, तो आज हमारी क्लास ऊपर है, ये जा रहे हैं हम अपनी प्यारी सी क्लास में। रमजान चल रहे हैं गाइस, कैंटीन हमारी बंद है, सामने M201 हमारी क्लास है प्यारी सी, खैरी वाशरूम कह रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं गाइस हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, तुमने आना, हाँ कैमरा अच्छा नहीं है, फिल्टर शक्लें जैसी आएंगी मुझे नहीं बोलना। ये ब्यूटीफुल सी गाइस हमारी क्लास है, 2 साल से अभी सोलो खोला है, हम अमीर बच्चे हैं गाइस, सामने एसियाँ लगी हुई हैं। कितना पैसा भरा बच्चा आपने, कितने ऊंचा बोलो ताकि अच्छी से बात, यार इसे ऑन करो। क्लास कब है अदीबा, तुम्हें ला सकते हैं वीडियो में, एक मिनट, क्लास कब है अपनी, ईद के बाद कब है, ईद के दूसरे अभी गाइस हमारी क्लास ऑफ हो गई है, सर ने हमें असाइनमेंट्स वगैरह सॉरी प्रेजेंटेशन वगैरह का बताया है, उस बारे में हुई डिस्कशन, कैमरा हमारे इतना ख़राब हुआ है, शक्लें ही नहीं अच्छी आ रही। हाँ भाई बात क्या चल रहा है लाइफ में,
आप क्या बोलना चाहेंगी? वीडियो बन रही है सच में ना, क्या बन रहा है तो छोड़ ना, बस इतनी अच्छी शक्लें नहीं आ रही। ऑरेंज जैसा वो तो बस और करेंगे दोबारा। अभी रुक जाओ, वीडियो में आ रहा है, तुम्हारा चेहरा छुपा लो। अब बोलो इन जैसों को, अब दोबारा बोलो यार, अच्छी भी वॉइस है। अभी भी लाके चले जैसों को देखने से परहेज करें। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग इनके। ये हमारी क्लास हो रही है सामने, जा रही है यार, निकला जा रहा है। ऐसे बदतमीज बेगैरत लोग हैं यार ये लोग। इंसान दोस्त को ज़रा थोड़ा सपोर्ट कर दें, ये लोग उल्टा डिग्रेड कर रहे हैं यार। बेस्ती फील हो रही है इधर। खैर क्लास हमारी ऑफ हो गई है, सर ने टेंशन दे दिया प्रेजेंटेशंस की, कि प्रेजेंटेशन है हमारी ईद के फौरन बाद। यार हमने अपनी लाइब्रेरी नहीं दिखाई इनको, बड़ी जल्दी आज जाने की, हम पढ़ने के लिए बैठ रहे थे। लंबी नहीं किया कर यार अभी। बंद करो, चुप रहे ना, वीडियो बन रही है। मैंने आपको ना ईद के बाद आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कैंटीन वगैरह सब कुछ, क्योंकि अभी बंद होती है रमज़ान वगैरह है ना, रमज़ानों में। चुप। अच्छा जी, सामने हमारा प्यारा सा गार्डन है यूनी का। खैर अभी गर्मियाँ हैं इसलिए हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं है, रमज़ानों के बाद ही जाके बैठेंगे। चलते हैं यार, पैदल पैदल जाएंगे हम पहियाँ पहियाँ बस स्टॉप तक, उसके बाद ख़त्म। छोटी सी हमारी यूनी है गाइस, इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं है लेकिन प्यारी है। कि गार्डन भी देख लो यार हमारा, दूसरी तीसरी बार यार, बस हो गया ना, तुम्हारा कुछ कहूँ मैं? अच्छा चुप रहे ना। ये इधर हमारी कैंटीन है, उसके बाद वाली क्लासेस आपको बाद में ही दिखाएंगे, उधर अभी हम लोग जा ही नहीं रहे गाइस। तो कैंटीन हमारी बंद है, उसकी वजह है कि रमज़ान चल रहे हैं, हम सब रोज़े में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रोज़े गए। चलते हैं यार, चलो कंपनी दो यार, उसे कंपनी दे दो। ये हमारे कोर्सेज होते हैं MBA, BBA, BMS, BSCS, BS। फुल फॉर्म एप्लीकेशन भी बताएगा। BBA होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और BMS साइंस मीडिया साइंस होता है, और BSCS होता है कंप्यूटर साइंस में, और भी बहुत से हमारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये हमारा आउटडोर यूनी का मेन गेट। खैर आते हुए आप लोगों ने देखा था यूनी छोटा सा गेट, और यहाँ पे आप लोग ना, अभी हम लोग जब रमज़ानों के बाद क्लासेस होंगी फिर बैठेंगे। सही, हम लोग जा रहे हैं, रुक जाओ यार, बोलो यार। तो गाइस हमारी वीडियो का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय।